अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल फाइंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट होम एट इन द टाइम ऑफ द पेंडेमिक यू मस्ट ऑल हैव टू स्टे होम एंड टू सेव लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और 9th क्लास लेक्चर ऑफ इंग्लिश। आई एम यू टीचर फ्रॉम अमेरिकन इस्लामिक स्कूल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश, सुल्तान अहमद मस्जिद। जैसे कि हम लोगों ने कल हमने पढ़ा था, 5th पैराग्राफ तक हम लोगों ने कल इसकी ट्रांसलेशन करी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 6th पैराग्राफ है जिसके आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के ज़ेर सतह हाथ से बनी हुई 20,000 से ज़ायद चीनी की टाइलों से जो गुले लाला के फूलों के पेमाइश जो है उस पर की गई हुई है। At the gallery level, the design becomes fabulent with the representation of the flowers, fruits and the cypresses. अब यहाँ पे जो हमारे पास है, जो गैलरी की सतह पर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो फूलों और सफ़ेदे के दरख्तों की नुमाइश जो है उसके साथ की गई है, जो कि इसके बर्क हो जाता है। उसके बाद ये हमें बताया गया कि पैराग्राफ 7 है हमारा। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न्ड विद द ब्लू पेंट। हमारे पास जो इसके अंदरूनी हिस्से की जो बलाई सतह है वो नीले रोगन से मजीन है। मोर देन 2,000 स्टेन ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिज़ाइन अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर एंड द कैंडीडियस फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो। जिसमें 200 से ज़ायद जो हमारे पास हैं वो 2.5 शीशों वाली जो खिड़कियां हैं जिन पर पोशीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, जिनसे आती हुई जो कुदरती रोशनी है मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर देती हैं और जो चहल जो जिसका जो चराग है उसको मज़ीद अपनी चमक दमक से रोशन कर देती हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद द कारपेट्स। अब इसमें जो सजावट में जो कुरान पाक की आयात है उसको भी शामिल किया गया है, फर्श पर जो है वो कलीन बिछाया गया है। पैराग्राफ नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल टू द राइट ऑफ द मेहराब। अब जो मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सबसे अहम जो मस्जिद का मेहराब है, जो कि उम्दा से उसको तराशा गया हुआ है, जो कि संगे मरमर से उसको बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ रिचली डेकोरेटेड विद द पल्पिट, जिसको संगे मरमर से बनाया गया है। द मस्जिद इज सो डिज़ाइन्ड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम।